हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अच्छी हूं, फिट हूं, तंदुरुस्त हूं, आप लोगों के सामने हूं। लेकिन नमन पूरे दो दिन बाद स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि मतलब जब आए थे तो दो दिन पहले स्कूल ओपन हो गया था, फिर एक दिन गए, दो दिन गए, तीसरे दिन इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो दो दिन फिर मुझे छुट्टी करना पड़ा। ये तो बोल रहे थे जाने के लिए, लेकिन फ़ीवर था तो मैंने कहा कि नहीं भेजेंगे। मतलब एक दिन तेज़ था, फिर दवा ले लिया तो आराम मिल गया, फिर मैंने कहा एक दिन रेस्ट कर लो, क्योंकि जो है जब छुट्टी होती है तो धूप बहुत तेज़ रहती है, तो धूप इतनी तेज़ रहती है तो फीवर में धूप ओप में जाना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो छुट्टी कर लेते हैं। आज भी नहीं भेजने वाली थी मैं, मैंने सोचा था मैं कल से भेजूंगी आराम से, लेकिन ये नहीं माने, ये कहे कि मम्मा नहीं मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं पीछे हो जाऊँगा, मेरे इतने सारे काम हैं अभी कम्प्लीट नहीं हुए हैं, तो फिर मुझे करना है और एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई दिक्कत लगेगी स्कूल में तो टीचर से बोल देना, फ़ोन कर देंगी, मैं आ जाऊँगी लेने। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैंने आप सभी को बताया ही है कि मैं स्कूल जाने से पहले चाय पी लेती हूँ, और इनके पैर में छोटे छोटे मतलब मैंने बताया था ना, दो तीन जगह फुंसी हो गई, वही मैं कह रही हूँ सूज में पहनाऊँगी। बेटा क्यों पहन रहे हो, तो कह रहा नहीं और आप पहनाओगी तो दुखेगा, मैं पहन लूँगी। तो मुझे ये देखिए, मुझे मेरे बच्चे का चेहरा जो है उदास लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ मतलब मुझे कुछ लगता है, चेहरा जैसे खिला हुआ नहीं लगता है तो मुझे टेंशन रहती है। लेकिन फिर मतलब ठीक था, और खांसी भी आ रही है इनको, वैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया है, दवा ले लिया है, अभी आराम है। बस यही हो जाता है कि मैं इसी में थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। अगर नमन ठीक रहते हैं तो फिर मुझे हिम्मत अपने आप से आ जाती है, और नमन की तबीयत नहीं ठीक रहती तो मैं अपने आप को मतलब मेरे से ज़्यादा कमज़ोर उस समय कोई होता नहीं है जब नमन की तबीयत नहीं ठीक रहती। बस मेरे लिए यही मेरी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है। तो बस भाई वही मैं बोल रही हूँ इनको कि लाओ मैं दवा लगा देती हूँ, तो कह रहा है नहीं, ये जब सॉक्स पड़ेगा तो फिर मम्मा दिक्कत होता है, तो इसलिए रहने दो, आएंगे तब लगाएंगे। तो एक पैर में ये पहने थे, एक पैर में बाद में मैंने पहनाया था, और ये इनकी पेंसिल है, ये सब चेक करना होता है गाइस, ये तो हर मम्मा करती हैं, सबको करना होता है। तो इनका इसमें भी वो रहता है, ये नहीं ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा, येलो चाहिए, ब्लू चाहिए, रेड चाहिए, होता है ना बच्चों का। तो बस इसी तरीके से अब इनको स्कूल छोड़ेंगे, फिर घर का काम करेंगे। गाइस घर का पूरा फैला पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, स्कूल पहुंचा दें इसके बाद, क्योंकि अभी लेट भी हो रहा था। तो ये छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है।